जय हिंद साथियों, मैं ससिंह आप सभी का जय अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रत्यय, जो कि आज इसकी दूसरी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किन शब्दों के मेल से बनता है तथा प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बनता है। दो शब्दों के मेल से बनता है कौन कौन से, प्रति, प्रतिधन आय, क्या होता है प्रतिधन आय, प्रति का अर्थ तो होता है साथ में परंतु बाद में, साथ में परंतु बाद में, और आय का अर्थ तो होता है साथ चलने वाला या चलने वाला। तो दोस्तों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत या कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोग कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं, तो इनसे कैसे शब्द प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो आइए देखें कि वे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर, क्या है कि वे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला वो है कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धांत कहलाते हैं। जो हमारा तद्धित प्रत्यय है इससे जो अन्य शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्धांत कहते हैं, यानी कि जो शब्द के अंत में लगता है इसलिए हम इसे कहते हैं तद्धांत। जैसे नील प्लस इमा, तो ये क्या हो गया नीलिमा, नील में इमा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हुआ नीलिमा। यहाँ पर इमा तद्धित प्रत्यय है, इसमें जो इमा दिया गया ये क्या है तद्धित प्रत्यय, क्या है तद्धित प्रत्यय, और उसमें जो तथा नीलिमा शब्द दिया गया ये हो गया हमारा तद्धांत। जब इमा प्रत्यय जोड़ दिया गया है नील में तो ये बन गया नीलमा, तो ये कौन सा हो गया, ये बन गया हमारा तद्धांत शब्द, क्या नीलमा। अगला पॉइंट इसी में है कि हिंदी के लगभग सभी तद्धित प्रत्यय संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। क्या है कि हिंदी के लगभग जितने भी तद्धित प्रत्यय हैं वो हमारे संस्कृत भाषा के तद्धित प्रत्ययों से ही लिए गए हैं या बने हैं, किससे, संस्कृत भाषा से। दोस्तों, तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, तद्धित प्रत्यय के 9 भेद हैं, कितने भेद हैं 9, कौन कौन से, पहला है कृतवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है गणनावाचक, पांचवा है गुणवाचक और छठा है स्थानवाचक, सातवां है सादृश्यवाचक, आठवां है उनवाचक और नौवां है स्त्रीवाचक। एक बार फिर से देखिए, पहला कौन सा है कृतवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा गणनावाचक, पांचवा गुणवाचक और छठा है स्थानवाचक और सातवां है सादृश्यवाचक और आठवां है उनवाचक और नौवां है स्त्रीवाचक। ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के तद्धित प्रत्यय, जो हिंदी भाषा से प्रत्यय बनते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने प्रत्यय इसमें लिया आई, इसमें हमने मूल शब्द लिया विदा, क्या विदा, अगर विदा में आई जोड़ेंगे, आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विदाई, क्या हो जाएगा विदाई।
लड़ाई। ठाकुर में आज प्रत्यय जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ठाकुराई। जैसे हमने अगला प्रत्यय लिया आर, क्या आर, इसमें मूल शब्द हमने लिया कुंभ, तो कुंभ का क्या हो जाएगा, कुंभ का हो जाएगा कुम्हार, क्या होगा कुम्हार, और सोना का सुनार। सोना में आर प्रत्यय जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सुनार। इसमें अगला हमने प्रत्यय जोड़ा लिया आवट, इसमें हमने मूल शब्द लिया कड़वा या अम्ल, कड़वा में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कड़वा में आवट आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कड़वावट, क्या कड़वावट, और मिल में मिलावट। अगर मिल में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मिलावट। अगला इसमें हमने प्रत्यय लिया ईला, क्या ईला, अगर हमने मूल शब्द लिया रंग, रंग में रंग या जहर, अगर रंग में ईला प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, रंगीला, और जहर में जोड़ दिया जाए तो जहरीला। रंग में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रंगीला, और जहर में ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला। कैसे बनते हिंदी के तद्धित प्रत्यय, आई से आई, अगर हमने विदा शब्द लिया उसमें प्रत्यय जोड़ दिया आई तो क्या हो जाएगा, विदाई, ठाकुर में ठाकुराई, और कुंभ में अगर हमने आर प्रत्यय जोड़ा तो हो जाए कुंभार, और सोना, सोना में जोड़ दे तो सोनार। अब हम लोग जानेंगे, ये थे हिंदी वाले, हम जानेंगे संस्कृत भाषा के प्रत्यय, कौन से, संस्कृति के तद्धित प्रत्यय, ये कैसे बनते हैं। जैसे हमने इसमें प्रत्यय लिया इमा, और इसमें मूल शब्द है हमारा हरित या अम्मा है, तो हरित का, हरित में अगर इमा प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, तो हरित में इमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हरितमा, क्या होगा, हरितमा, और मह में इमा जोड़ेंगे क्या होगा, महिमा, क्या बनेगा, महिमा, तो हरित में हरितमा, मह में महिमा। अगला प्रत्यय हमारा इसमें ईएफ, अमूल शब्द है राधा या बिंदा, तो राधा में अगर ये प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, राधा का राधे, अभिनेता का बनते, क्या हो जाएगा, बनते, राधा का राधे, और बिनिता में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा हमारा बनते। अगला प्रत्यय लिया हमने ई, इसमें मूल शब्द है हमारा बसंत या रोग, तो बसंत में ई प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, तो बसंत में ई प्रत्यय जोड़ने पर बसंती, और लोभ में ई प्रत्यय जोड़ने पर लोभी, तो बसंत में ई प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, बसंती, और लोभ में ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा, लोभी। अगला इसमें प्रत्यय है मान, क्या है मान, अगर मान मूल शब्द में, मूल शब्द हमने लिया शक्ति या श्री, अगर शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा शक्तिमान, और श्री में मान प्रत्यय जोड़ा जाए तो श्रीमान, तो शक्ति में शक्तिमान, और श्री में मान प्रत्यय जोड़ा जाए तो श्रीमान। ये थे संस्कृत वाले, अब लोग पढ़ेंगे स्रोतों के आधार पर प्रत्यय का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, कि मुख्य रूप से स्रोतों के आधार पर प्रत्ययों का विभाजन चार प्रकार से हुआ है, कितने, चार प्रकार से, इसके मुख्य चार स्रोत हैं, कौन कौन से, पहला है देशज प्रत्यय, दूसरा है विदेशज प्रत्यय, तीसरा है तत्सम प्रत्यय, और चौथा है तद्भव प्रत्यय। स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के प्रत्यय माने गए, तो स्रोत के आधार पर इनका, इनको चार प्रकार से माना गया, कौन कौन से, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देशज प्रत्यय,
देशज प्रत्यय क्या, जैसे हमने प्रत्यय लिया अक्कड़ अमूल शब्द लिया भूम या पी, अगर भूम में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भूम में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा जाए तो भूमक्कड़ और पी में जोड़ा जाए तो पिमक्कड़, क्या बनेगा, भूम में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा जाए तो भूमक्कड़ और पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पिमक्कड़। इसमें अगला प्रत्यय लिया हमने आटा, अमूल शब्द हमारा इसमें फर या खर, अगर फर में आटा जोड़ दिया जाए, आटा प्रत्यय जोड़ा जाए तो इसमें क्या बन जाएगा, फर्राटा, क्या बनेगा, फर्राटा, और खर में आटा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा खर्राटा, क्या बनेगा, खर्राटा। इसमें अगला प्रत्यय लिया हमने आवट, क्या लिया, आवट, इसमें मूल शब्द है दिख या लिख, अगर लिख में आवट प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, लिख में आवट प्रत्यय जोड़ा जाए तो लिखावट, और दिख में आवट प्रत्यय जोड़ा जाए तो दिखावट, तो लिख में आवट प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, लिखावट, और दिख में आवट प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा दिखावट, क्या बनेगा, दिखावट। ये थे हमारे देशज प्रत्यय, अब हम लोग देखेंगे विदेशज प्रत्यय कैसे होते हैं। इसमें हमने प्रत्यय शब्द लिया दान, और मूल शब्द है हमारा इसमें फल या फूल, क्या है, फल या फूल, अगर फूल में प्रत्यय जोड़ा जाए दान तो क्या बन जाएगा, फूलदान, और फल में जोड़ दिया जाए दान प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, फलदान, फल में दान प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा फलदान, और फूल में दान प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा फूलदान, क्या बनेगा, फूलदान। अगला प्रत्यय हमने लिया आ, अमूल शब्द हमारे इसमें गुब या जुला, गुब में आ प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा गुलाब, और जुला में जोड़ने पर बन जाएगा जुलाब, तो गुब में आप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, गुलाब, और जुला में आप प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा जुलाब। इसमें अगला प्रत्यय लिया हमने आ, अमूल शब्द है चश्म या खराब, क्या है मूल शब्द, चश्म या खराब, तो अगर चश्म में आप प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, तो चश्म में आप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा चश्मा, और खराब में आप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा खराबा, तो अब चश्मे में आप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, चश्मा, और खराब में आप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा खराबा। अगला पद है हमारा इसमें कार, अगला प्रत्यय है कार, और मूल शब्द है पेश या कास्त, अगर पेश में कार प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, पेशकार, और कास्त में जोड़ दिया जाए और प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, कास्तकार। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय इनमें कैसे शब्द आते हैं, जैसे हमने शब्द लिया प्रत्यय लिया आनी, और मूल शब्द लिया देव, अगर देव में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देवानी, क्या होगा, देवानी। अगर हमने मूल शब्द एक और लिया जैसे जेठ, और जेठ में आनी प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जेठानी, क्या बन जाएगा, जेठानी। इसी में अगला प्रत्यय लिया हमने ये, अमूल शब्द है भारत, क्या है, भारत, अगर भारत में ये प्रत्यय जोड़ने जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो भारत में ये प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा भारतीय, क्या बनेगा, भारतीय, भारतीय। अगला प्रत्यय है ता, अमूल शब्द है हमारा कोमल, अगर कोमल में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कोमलता, क्या बनेगा, कोमलता, कोमल में ता प्रत्यय जोड़ने पर कोमलता। अगला प्रत्यय लिया हमने आयु, क्या है आयु, अमूल शब्द है दीर्घ, अगर दीर्घ में आयु प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा,
बनेगा, तो दीर्घ में आयु प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा हमारा दीर्घायु। ऐसे में अगला शब्द होता अल्प, अल्प में भी आयु प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा अल्पायु। तो दीर्घ में आयु प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? दीर्घायु। ये थे हमारे दशम शब्द प्रत्यय। अब लोग देखेंगे सर्वो प्रत्यय, इनके शब्द कैसे बनते हैं। जैसे हमने शब्द प्रत्यय लिया खोर, क्या खोर अमूल शब्द है रिश्वत। तो अगर इसमें रिश्वत में खोर प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बनेगा? तो रिश्वत में खोर प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा हमारा रिश्वत खोर। क्या बनेगा? रिश्वत खोर। अगला प्रत्यय हमने लिया दानी, अमूल शब्द है मच्छर। अब मच्छर में दानी जोड़ने पर क्या बन जाएगा? मच्छरदानी। या अगला मूल शब्द लेते साबुन, अगर साबुन में प्रत्यय दानी प्रत्यय जोड़ा जाता तो क्या बन जाता? तो बन जाता साबुन दानी। मच्छर में दानी प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? मच्छरदानी। क्या बनेगा? मच्छरदानी। अगला प्रत्यय हमारा इसमें वार, मूल शब्द है दर। अगर दर में बार दो बार प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा दरबार। क्या होगा? दरबार। जब दर में मूल शब्द दर है प्रत्यय वार, तो दर में बार प्रत्यय जोड़ा जाए तो हो जाएगा दरबार। अगला प्रत्यय है ईचा, अमूल शब्द है बाग। बाग में ईचा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बगीचा। क्या बनेगा? बगीचा। अगला प्रत्यय हमारा इसमें नाक, क्या नाक मूल शब्द है दर्द। अगर दर्द में नाक प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? दर्दनाक। तो इसका मूल शब्द क्या बन जाएगा? दर्दनाक। नाक दर्द में नाक प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा दर्दनाक। यह थी हमारी आज की प्रत्यय की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारी क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।